बहुत लोगों की ऐसे प्रॉब्लम है दोस्तों, अपने मोबाइल पे इंटरनेट का स्पीड बहुत ही स्लो हो जा रहा है। जैसे कि अभी भी जो लोग बहुत बहुत ज़्यादा यूज करते हैं मोबाइल को, उनके मोबाइल पे भी स्पीड जो है इंटरनेट का बहुत ही स्लो हो रहा है। तो दोस्तों, आपका कोई भी नेटवर्क हो, जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो या फिर कोई भी हो, दिक्कत नहीं, आपको कुछ सेटिंग्स करने की ज़रूरत होती है। जैसे दोस्तों, आप किसी मोबाइल को परचेज करते हो उस समय आपका जो है मोबाइल डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रहता है, जो कि आपके मोबाइल नेटवर्क को थोड़ा सा स्पीड कम कर देता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको मैन्युअली बताऊंगा दो तीन सेटिंग जिसकी मदद से आपका नेटवर्क बहुत ही स्पीड चलेगा रॉकेट जैसा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा इसके लिए दोस्तों सेटिंग पर जाना होगा, ठीक है। तो सेटिंग पर ही आपका सब काम हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कनेक्शन देखना होगा मोबाइल नेटवर्क का। बहुत सी सेटिंग बहुत से मोबाइल में डिफरेंट डिफरेंट लुक होता है, तो मेरे मोबाइल पे जो है मैं आपको सेलेक्ट कर दिखाता हूँ, ठीक है। मोर सेटिंग पे भी हो सकता है या फिर आपके कनेक्शन में हो सकता है या फिर आपका मोबाइल नेटवर्क वाईफाई नेटवर्क ऐसा कुछ हो सकता है। जहाँ पर आपको जाना होगा दोस्तों, मोबाइल नेटवर्क सेटिंग पे, ठीक है। तो मैं अपना मोबाइल नेटवर्क सेटिंग पे जाता हूँ और इधर आपको जो है मैं दिखाता हूँ कौन सा नेटवर्क मोड पे आपको जाना होगा, ठीक है। नेटवर्क मोड आपके मोबाइल पे जहाँ पर है, उधर जाने के बाद आपको चार ऑप्शन मिल जाते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है आपके मोबाइल का इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने के लिए, बहुत ही ज़रूरी है। 2G ओनली, 3G ओनली, इसको आप तो छोड़ ही दीजिए, इसका कोई दरकार नहीं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आप 4G प्रीपेड 3G 2G करते हो, इसका मतलब दोस्तों यही है, जिस लोकेशन पे 4G आपका मौजूद नहीं रहेगा आपका 3G चलेगा, 3G नहीं रहेगा तो 2G चलेगा। लेकिन ऐसे में 3G ओनली या फिर ये वाला जो करते हो तो 4G की स्पीड आपको नहीं पढ़ पाती। इसीलिए दोस्तों आपको जो है पहले वाले ऑप्शन को चूज़ करना होगा। सेकेंड में दोस्तों बहुत ही खतरनाक ट्रिक है जो आपको मैं दिखाऊँगा, एक्सेस पॉइंट दैट इज़ APN, ठीक है। इधर आने के बाद जो कि जियो यूजर हो या फिर यूजर हो या फिर BSNL यूजर हो, सबके लिए सेम सेटिंग लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, साथ में दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। थैंक यू। आपके मोबाइल में थोड़ा सा अलग हो सकता है, इधर आपको देख सकते हैं प्लस का सिंबल होगा या फिर एड APN का या फिर जो भी होगा। तो मैं इधर न्यू APN लिखा है, न्यू APN पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आता है नेम दोस्तों। इधर क्या करते हैं, बहुत लोग गलती कर देते हैं, नेम छोड़ देते हैं या फिर कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। जो भी नेटवर्क है आपका, जैसे मान लो जियो है तो मेरा फिलहाल एयरटेल है, तो मैं क्या करूँगा इसको अभी airtel.com आपको इधर लिखना होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको अच्छे से अगर सेटिंग कर लोगे तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका मोबाइल स्पीड जो है बहुत ही स्पीड होगा। उसके बाद दोस्तों APN की बात करते हैं। APN में आपको थोड़ा सा चेंजेस है, मान लो आपके पास जियो है या फिर एयरटेल है या फिर जो भी है, तो सबसे पहले अपना स्मॉल लेटर में आपका जो नेटवर्क करने में आप लिख सकते हो स्मॉल लेटर में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको आपका, मैंने एयरटेल लिख लिया, अगर आपके पास जियो है तो जियो लिख लीजिए स्मॉल लेटर में। उसके बाद आपको कैपिटल लेटर करके N लिखना है नेटवर्क जो है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं प्रॉक्सी की। आपको ये कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद यूजर नेम आप देख सकते हो दोस्तों। यूजर नेम में भी आप ऐसा होता है कि कोई स्पेसिफिक आपका एक सर्वर होता है जो कि वेबसाइट होता है जहाँ पर बहुत स्पीड चलता है, जो वेबसाइट पे आप ज़्यादा विजिट करते हो। जैसे कि मान लो मैं यूट्यूब पे ज़्यादा विजिट करता हूँ, तो मैं इधर क्या कर लिखूँगा www.youtube.com। अगर आप जो वेबसाइट पे फेसबुक पे विजिट करते हो तो फेसबुक लिख लीजिए। जो वेबसाइट आप ज़्यादा विजिट करते हो जिस पे आपको बहुत ही ज़्यादा स्पीड चाहिए, वहाँ पर आपको अपना लिखना है। पासवर्ड छोड़ दीजिए, सर्वर पर भी आपको वही लिखनी है। अगर आप इधर गूगल लिखोगे तब भी होगा, लेकिन दोस्तों मैं यूट्यूब ही लिखूँगा क्योंकि मैं यूट्यूब ज़्यादा विजिट करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे में आप अगर एप्लीकेशन की मदद से भी करते हो तो आपको जो है इसके वेबसाइट के थ्रू ही जाता है, इसीलिए आपको इधर लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आता है दोस्तों MMSC प्रॉक्सी, इस सबको आपको कुछ करना नहीं है, बस MCC एक्ट हो है, ठीक है। इधर आपको क्या करना होगा, 405 करना होगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये ऑटोमेटिकली आ जाता है लेकिन कुछ में ब्लैंक हो जाता है कुछ मोबाइल हैंडसेट में, तो आपको 405 करना होगा। और उसके बाद दोस्तों MNC, ये खतरनाक ट्रिक है, ये 53 रहता है डिफ़ॉल्ट, इसको क्लोज करना है। ध्यान रखिए दोस्तों 865 करना है। अगर आपके पास 865 कीजिए ओके करके सब करके नेट चलाइए, अगर आपका ठीक चलता तो ठीक है, लेकिन दोस्तों 865 नहीं तो 868 दोनों ही सेम है। लेकिन दोस्तों किस मोबाइल में कौन सा नेटवर्क ज़्यादा चलता है ये आपको कह नहीं सकते, इसलिए 865 और 868 दोनों ही आपको बराबर है, तो इसे आपको सेव कर लेना है और चलाना है। अगर 868 नहीं काम आता है तो 865 कीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको किसको कुछ करना नहीं है, बस आपको नीचे आना है, APN प्रोटोकॉल पे आपको आना है। इधर आपको क्या करना होगा दोस्तों, IPv4 है, IPv6 है,
तो आपको क्या करना होगा, नीचे वाला जो है IPv4/IPv6 आपको इधर क्लिक करना है और नीचे आना है बियरर पे। बियरर पे आपके आना है अनस्पेसिफाइड तो होगा ही, साथ में LTE को भी साइड में सेलेक्ट कीजिए। इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, ऊपर में देखिए दोस्तों डाउन लिखा है, ठीक है। अदर हो सकता है दोस्तों आपका 3 डॉट दिखा होगा, उसके बाद आपको सेव करना होगा, इधर आपको वैसा दिखा होगा, तो मैं फिलहाल इधर ओके पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद क्या कहोगे दोस्तों, आपको थोड़ा सा बैक आना है, बैक करके इस मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेना है। स्विच ऑफ करने के बाद आपको जो है एक बार चलाना है मोबाइल को, कैसे चलता है देखिए।